नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN9 News। SBN9 News में आपका स्वागत है। कभी गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी में पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा है। लोकसभा सीट से लेकर विधानसभा की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी के विधायक है। अमेठी में अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस पाने के लिए कांग्रेस बेताबी से जूझ रही है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में कैंप कर सियासी माहौल को बदलने की कवायद की, तो राहुल गांधी भी चुनावी प्रचार में उतरे। राहुल प्रियंका ने एक साथ रैली कर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए उम्मीदों का दिया जलाने का प्रयास किया। आइए बताते हैं आपको कैसे। बता दें आपको, कुछ दिन पहले देखा गया था जब चुनावी रैलियां चुनावी पार्टियां अपनी चुनावी रैलियों के लिए दमदम का जोर लगा रही थी। उस वक्त देखा गया था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी की ओर निकले थे, और राहुल गांधी चुनाव में हार के बाद लोकसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार अमेठी में नजर आए थे, और अमेठी की जनता से बात करते हुए ये कह रहे थे कि अमेठी मेरा परिवार है और अमेठी के लोग, अमेठी की जनता मेरे परिवार के लोगों की तरह है, तो मैं अमेठी के लिए सब कुछ करने के लिए उतारू हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ, इसलिए चुनाव में सोच समझकर वोट दे और गांधी परिवार के बारे में थोड़ा सोचे। देखा गया था कि राहुल गांधी छत की परिवार से जनता को लुभा रहे थे, और जनता हजारों की भीड़ में महिला और पुरुषों की भीड़ को देखा गया था, तभी राहुल गांधी ये कहते नजर आए थे। और जनता का समर्थन जिस तरीके से राहुल गांधी को मिल रहा था, उसको देखकर लगता है कि वाकई में 10 मार्च को जो इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों का नतीजा आ रहा है, वो काफी ही चौंकाने वाला होगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SBN9 News के साथ। धन्यवाद।